स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में वंस अगेन। मेरा नाम है प्रेम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फिजिकल साइंस कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएससी फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस एंड बीएससी फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री दोनों पे हम चर्चा कर रहे होंगे। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो और आपको देखना है कि यार मैं फिजिकल साइंस कोर्स लूं या ना लूं, अगर आपको जानना है इस बारे में इन डेप्थ एनालिसिस, ठीक है, इस वीडियो में हम अंदर की बात करेंगे। इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि क्या ये ऑनर्स से बेहतर है, क्या मैं कोई ऑनर्स का कोर्स ले लूं या फिर मैं फिजिकल साइंस ले लूं, इसमें क्या कोर्स है, इसमें कितना पढ़ना पड़ता है, इसमें क्या फायदे हैं, इसमें क्या नुकसान है, ठीक है ना, आपके पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, क्या प्लेसमेंट्स है, इसमें जब आप एडमिशन लोगे तो इसकी क्या कट ऑफ जाती है, ये सारी चीजों के बारे में हम चर्चा कर रहे होंगे इस वीडियो में। तो भाई मैं वो बताऊंगा जो किसी यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा। कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद नॉर्थ कैंपस केएमसी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ और मुझे एक साल हो गया इस कोर्स में, फिजिकल साइंस कोर्स के बारे में मेरे से अच्छा आपको और कोई नहीं बता सकता, ठीक है। अगर आप अपने करियर चॉइस ले रहे हो तो आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि मेरे को ये कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या आपके लिए कोर्स सही है या गलत है। तो मेरे कई दोस्त जिनके पास ऑनर्स के कोर्स हैं, ठीक है, और कई है मेरे पास मेरी क्लास में जो फिजिकल साइंस लेके परेशान, ठीक है ना। अब उनको क्या दिक्कत आती है, इनको क्या दिक्कत आती है, क्या परेशानी होती है इन कोर्स में, क्यों वो कहते हैं फिजिकल साइंस लेता मैं आज, तो कुछ चाहते थे हम ऑनर्स ले लेते हैं। इस पर बात करेंगे इन डेप्थ में इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में कुछ ऐसे कनेक्टिंग पॉइंट्स बताने वाला हूं यार, जिसको अगर आप कनेक्ट नहीं कर पाए तो फिर आप समझ नहीं पाओगे और एक गलत डिसीजन ले बैठोगे, जिससे कि आपको ये नुकसान होएगा आगे जाके, आपको मास्टर्स करने मुश्किल हो सकती है, प्लेसमेंट्स में बहुत दिक्कत आएगी भाई आगे। तो इसलिए वीडियो में समझते चलिए हर एक पॉइंट को। देखिए मैंने क्यों बताया है ये, ताकि आपको अच्छी तरह चीजें समझ में आए और आप एक राइट डिसीजन लें कि क्या कोर्स आपके लिए सही है, वो आपको पता चले। क्योंकि कोर्स तो सारे सही होते हैं, लेकिन किसके लिए क्या सबसे ज्यादा सही है वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है और वो आपको पता चल जाएगा इस वीडियो के बाद। तो चलते हैं सीधा वीडियो। तो पहले बात करते हैं इस कोर्स के बेसिक्स ऊपर, ठीक है ना। इसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ, इसका स्ट्रक्चर, इसमें यूनिट्स, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है, इसमें करना क्या होता है, इस ऑनर्स से किस तरीके से अलग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इसमें हम क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस। अगर आपने बीएससी फिजिकल साइंस कंप्यूटर साइंस लिया है, अगर आपने बीएससी फिजिकल साइंस में केमिस्ट्री लिया है, तो मैथ्स और फिजिक्स तो कॉमन होंगे, आप पढ़ोगे। जो कंप्यूटर साइंस वाले पढ़ेंगे आप अलग से क्या पढ़ोगे, केमिस्ट्री। कंप्यूटर साइंस जो है आपका सब्जेक्ट होगा केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये तो दो सब्जेक्ट में डिफरेंस हो गया। अब होता क्या है कि आपके जो कोर्स अभी तीन साल के आगे शायद चार साल का हो गया है, जिसमें थोड़ा चेंज आएगा, लेकिन कुछ इस तरीके से होगा जो बेसिक अभी तक चलता आ रहा है, बस उसमें एक साल ऐड और कुछ और नए सब्जेक्ट्स डाल दिए जाएंगे कुछ यूनिट्स। तो होता क्या है कि अपने को तीन साल में 18 यूनिट्स कवर करनी होती है। मतलब कि अपन एक साल में कितनी यूनिट कर रहे हैं, 6 यूनिट कर रहे होते हैं, मतलब एक सेमेस्टर, क्योंकि एक साल में दो सेमेस्टर होते हैं भाई, तो उन दो सेमेस्टर में तीन यूनिट्स अपन कवर कर रहे होते हैं। तो जो बीएससी फिजिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं, फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस वालों की बात कर रहा हूं मैं, और फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री वालों की बात कर रहा हूं। देखो दोनों में डिफरेंस ये होता है कि केमिस्ट्री वाले फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री, तो चलो एक ही एग्जांपल लेके चलते हैं। कंप्यूटर साइंस वाले जिनको बोले ना, तो मान लेना कि केमिस्ट्री की जगह उनका सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है, बाकी सब कुछ सेम ही चलता है यार। तो होता क्या है कि तीन यूनिट्स अपन एक सेमेस्टर में कवर कर रहे होते हैं। एक यूनिट होती है हमारी, फिजिकल साइंस वालों की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स की एक यूनिट होती है, कंप्यूटर साइंस की एक यूनिट होती है हमारी, मैथ्स की। वही जो ऑनर्स वाले होते हैं ना यार, वो एक साल में तीनों, जैसे आप मान लो आपने फिजिक्स ऑनर्स लिया है, फिजिक्स ऑनर्स वो भी 18 यूनिट्स कवर करने हैं तीन साल में, तो वो एक सेमेस्टर में तीन यूनिट्स करता है फिजिक्स सब्जेक्ट की। तो उसका जो कोर सब्जेक्ट होता है, उसका जो मेन सब्जेक्ट होता है, वो पढ़ता है। अब इसका मतलब ये नहीं है जो ऑनर्स वाले से वो ही पढ़ते रहता है, बस फिजिक्स केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री, ऐसा नहीं होता है। उनको भी ऑप्शन दिया जाता है, उनके पास इलेक्टिव्स का ऑप्शन होता है, वो और सब्जेक्ट होते हैं एक्स्ट्रा में जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे फिजिकल साइंस में फर्स्ट सेमेस्टर में एसीसी होती है जिसमें हमें इंग्लिश पढ़ाई जाती है। इस तरीके से ऑनर्स वालों के पास भी दो सब्जेक्ट या किसी सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पे ऑप्शन होता है कि आप इसके साथ मैथ्स पढ़ सकते हो, कोई भी वो उनकी चॉइस होती है यार, आप उसके साथ कंप्यूटर साइंस पढ़ सकते हो, आप फिजिक्स ऑनर्स के साथ ज्योग्राफी पढ़ सकते हो, हिस्ट्री पढ़ सकते हो, इंग्लिश ऑनर्स पढ़ सकते हो, कुछ सब्जेक्ट होते हैं उसके कुछ पार्ट आप उस सेमेस्टर में पढ़ते हो, उसको पेपर देते हो, ठीक है। तो लेकिन अगर मैं बताना, मैं इससे ये चाहता हूँ कि मान लो कि अगर एक फिजिक्स का डिबेट होता है, फिजिक्स कॉम्पिटिशन होता है, और उसमें एक स्टूडेंट है फिजिकल साइंस का और एक स्टूडेंट है फिजिक्स ऑनर्स का, तो ऑब्वियसली बात है भाई कि फिजिक्स ऑनर्स के पास नॉलेज ऑफ फिजिकल साइंस वाले से ज्यादा होगी, क्योंकि वो फिजिक्स को ज्यादा पढ़ रहा है, फिजिक्स का जो डेप्थ होता है ना उसमें भी वो ज्यादा पढ़ रहे होते हैं। जैसे कि मैं आपको अपना ही एग्जांपल लाइव देता हूँ कि जो हमारा पेपर हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर में, तो मैंने जो कंप्यूटर साइंस ऑनर्स को देखा और फिजिक्स ऑनर्स के जो पेपर को देखा जब मैंने, तो उसमें जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस थे,
ठीक है ना, उसी चैप्टर से जो हमारे कॉमन थे, ठीक है ना, कुछ चैप्टर हम कॉमन पढ़ रहे होते हैं, उसके अलावा कुछ जो दो एक्स्ट्रा होते हैं, तीन में से हमने एक फिजिक्स के पढ़ा, दो तीनों फिजिक्स के पढ़ रहे थे, दो एक्स्ट्रा होंगे वो एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, उसी का ही फिजिक्स का ही और ज्यादा पढ़ते हैं उसमें, और चैप्टर उसमें कवर हो जाते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, वो भी फिजिक्स के, जो मैंने देखा फिजिक्स स्टूडेंट होते हैं, जो कॉमन चैप्टर था, मान लो जो एक हमारा कॉमन था, उसमें जो क्वेश्चन थे वो हाई लेवल के आ रहे थे, उसमें एडवांस क्वेश्चन भी कवर होते हैं ऑनर्स में, ठीक है ना, जो कि आपको मदद करते हैं आगे आईआईटी एग्जाम जैसे पेपर से आईआईटी में एडमिशन मास्टर्स करने में। अब फिजिकल साइंस क्या होता है, उनको तीनों सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, उनको वाइड रेंज ऑफ सिलेबस करवाया जाता है, तीनों सब्जेक्ट का आईडी दिया जाता है, लेकिन इन डेप्थ में नहीं कराया जाता, ठीक है, उनको बेसिक्स कवर करवा दिए जाते हैं, उसके बाद अगर आपको पढ़ना चाहो वो आपको खुद करना पड़ेगा, टीचर्स उतना नहीं करवाएंगे, पेपर में उतना हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे फिजिकल साइंस वाले में। एक तरीके से इसको फायदा भी मान सकते हो, इसको नुकसान भी मान सकते हो, क्योंकि जो फिजिकल साइंस वाले होते हैं ना, उनको अगर मैं रिलेटिवली पढ़ाई का प्रेशर कहूँ कि किसको ज्यादा पढ़ना पड़ता है, तो भाई वो तो फिजिकल साइंस वालों को कम पढ़ना पड़ता है, ऑनर्स वालों को ज्यादा पढ़ना पड़ता है, उनमें उनमें एक ही सब्जेक्ट होता है, उसको डेप्थ में पढ़ रहे होते हैं, उनको जो पेपर होते हैं वो भी ज्यादा एडवांस लेवल टाइप के आ जाते हैं, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से पेपर होते हैं। अब कट ऑफ की बात करें तो ऑनर्स की कट ऑफ जनरली देखा गया कि हाई होती है, ठीक है ना। अब अगर आप अच्छे अच्छे कॉलेज में बात करोगे, हिंदू, हंसराज, ठीक है ना, स्टीफन्स, तो ये जो कॉलेज है इनमें तो फिजिकल साइंस भी सब्जेक्ट, चाहे केमिस्ट्री चाहे कंप्यूटर साइंस, उसकी भी कट ऑफ ज्यादा ही होती है। लेकिन अगर मैथ ऑनर्स ले रहे हो आप या फिर फिजिक्स ऑनर्स ले रहे हो, भाई फिजिकल साइंस लेना आपके लिए ज्यादा आसान होएगा। तो कट ऑफ के बारे में बात करें तो भाई ऑनर्स से जनरली कट ऑफ हाई होता है, और अगर आप बीएससी फिजिकल साइंस और केमिस्ट्री और फिर कंप्यूटर साइंस को इंक्लूड करोगे तो कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ केमिस्ट्री वालों से थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। तो कंपेरेटिवली आपके लिए सबसे आसान है लेना, क्योंकि आपको कम मार्क्स में मिल सकता है, वो है फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री। अब लेकिन आप केमिस्ट्री लेना चाहिए, कंप्यूटर साइंस लेना चाहिए, इतना सा डिफरेंस है भाई कि ये सब्जेक्ट में, अगर आपको कंप्यूटर साइंस पसंद है, अगर आपको इसके बारे में जानना है, आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाना है, आपको प्राइवेट नौकरी करनी है, आपको कंपनीज में जाना है, आपको प्लेसमेंट लेनी है जल्दी से, अगर आपको पहले कंप्यूटर साइंस कोडिंग थोड़ी बहुत आपको आती है, पढ़ रखी है, देख रखी है, इंटरेस्ट जगता है, तो आप ये लें, वरना केमिस्ट्री हो सकता है आपको बचपन से बहुत आसान लगती हो, पढ़ने में मजा आता हो, आप चाहते हो कि इसके बारे में मैं और सीखूं, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में सिर्फ केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है, इसमें तीनों सब्जेक्ट जाते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री, तो आपके तीन अलग अलग टीचर्स होंगे इन तीनों के लिए, आपने ग्रेजुएशन में और आप तीनों के बारे में पढ़ रहे होंगे, बाकी आप मास्टर्स में किसी एक, अगर आपको केमिस्ट्री पसंद आते हैं तो उसमें मास्टर्स करना चाहते हो तो मास्टर्स में आपको चॉइस मिलेगी कि आपको फिजिकल साइंस में करना है मास्टर्स, या इनऑर्गेनिक को इन डेप्थ में पढ़ना है, या फिर जो आपको ऑर्गेनिक है वो आपको पसंद आ रही है तो उसमें जाओगे, तो वो जो एक सिंगल केमिस्ट्री के एक पर्टिकुलर फील्ड में आपको जाना है तो आप मास्टर्स में चॉइस मिलेगी, लेकिन आपकी ग्रेजुएशन में आपको पूरी केमिस्ट्री का ज्ञान दिया जाएगा, जो अगर आपको अच्छी लगती हो, पसंद हो केमिस्ट्री, तो आप जरूर ले सकते हो। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया इस सबसे हमें क्या सीखने को मिलता है, ठीक है ना, ये जो पूरी मैंने आपको ज्ञान पेला है इसके कोर्स के बारे में, ऑनर्स के बारे में, इससे देखो आप निकलता क्या है, बहुत ही अमेजिंग चीज आपको पता चलेगी। अब जरा ध्यान से सुनना, मेन बात यही है सीखने की, इसके लिए अभी तक आप वेट कर रहे थे वीडियो, अब यहाँ से आपको समझ आनी, मतलब बनानी शुरू करेगी क्या कि एक यार जो जहां तक मैंने देखा है ना अपने आसपास फिजिकल साइंस जो लोग लेते हैं, इवन जो बीएससी लेते हैं, चाहे वो ऑनर्स ले रहे हो या चाहे वो जनरल बीएससी कोर्स जैसे फिजिकल साइंस हो, तो मोस्टली क्या होते हैं गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं आगे, और गवर्नमेंट जॉब में यार जो हमें ऑनर्स में पढ़ाया जा रहा है या जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है फिजिकल साइंस में वो सब नहीं आता है, ठीक है ना। जो मैथ्स कुछ आती है, मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वांट नाम से मैथ्स आती है, जिसमें कुछ सब्जेक्ट होते हैं मैथ्स के जो आप पढ़ोगे अपने ग्रेजुएशन में मदद कर रहे हैं, लेकिन उसमें अलग तरीके की मैथ्स आती है, और फिजिक्स वगैरह तो बहुत ही कम एग्जाम्स में आती है इसके, तो आप जो सब पढ़ रहे हैं अपने ग्रेजुएशन में ज्यादा आपके आगे काम नहीं आएगा, अंटिल अनलेस आपको मास्टर्स करनी हो, और मास्टर्स करने वाले सब्जेक्ट में आपको टीचर बनना हो, और फिर आपको पढ़ाई करनी हो आगे, पीएचडी वगैरह करनी हो, तब बात अलग है, तब तो आप जो पढ़ रहे हो उसको अच्छी तरह पढ़ो, ग्रेजुएशन करो। लेकिन ये मैं बात कर रहा था गवर्नमेंट एग्जाम्स के ऊपर, तो गवर्नमेंट एग्जाम्स में किसको फायदा हो रहा होगा अगर आपको तैयारी करनी है, तो गवर्नमेंट एग्जाम्स में आपको अलग से थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, चाहे आप किसी की भी तैयारी करोगे आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, आपको मान लो आपको कुछ और ही करना है यार, हो सकता है आपको स्पोर्ट्स में भाग जाना है, तो अब आप चाहते हो कि इसमें एडमिशन मिल गया, यहाँ से मैं स्पोर्ट्स खेलूंगा और वगैरह कुछ करूंगा अलग, तो यहाँ पे फायदा मिल रहा होता है फिजिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स को, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि जो फिजिकल साइंस वाला है उसमें इतने डेप्थ में और इतना ज्यादा नहीं वास्ट पढ़ाया जाता जितना ऑनर्स में पढ़ाया जाता है, तो आपको यहाँ पे एज मिल सकता है कि आप अच्छी तरीके से थोड़ा बहुत पढ़ के, तो पढ़ना तो पड़ेगा थोड़ा बहुत यार, तो पढ़ के अपने ग्रेजुएशन भी समेट सकते हो, अपने ग्रेजुएशन में भी अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो, साथ में आप किसी और भी तैयारी कर सकते हो, यू हैव द इनफ टाइम, ठीक है ना, आराम से बहुत टाइम मिलता है, मैं बता रहा हूँ कि कई क्लासेस तो ऐसे स्किप हो जाती है हफ्ते में, और जो होती है उसमें दो तीन होती है क्लासेस, उसमें एक आधे घंटे क्लासेस होती है, तो यू हैव अ होल डे
मतलब बहुत टाइम लग जाएगा, आप अच्छी तरह से किसी भी चीज तैयारी कर सकते हो, इजीली मैनेज हो सकती है चीजें विद द फिजिकल साइंस कोर्स, ऑनर्स में भी हो सकती है चीजें, लेकिन रिलेटिव बात करूँ तो फिजिकल साइंस। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो वो करते हैं करियर चॉइस के ऊपर, ठीक है ना, कि किसके लिए ऑप्शन है, बिकॉज यू नो चॉइस इज मोर अबाउट ऑप्शन, ठीक है। हम कोई चीज करते हैं तो आगे उससे कितने ज्यादा रास्ते रहते हैं और हमें क्या क्या मिल सकता है, हम लोग हैं ज्यादा ज्यादा समेटने लपेटने की कोशिश करते हैं। तो यार देखो फिजिकल साइंस में आप क्या बेटर हो, फिजिक्स भी बेटर हो, मैथ भी बेटर हो, केमिस्ट्री बेटर हो, कंप्यूटर साइंस बेटर हो, मतलब कि या तो कंप्यूटर साइंस बेटर हो, केमिस्ट्री बेटर हो, जो भी बेटर जो आपने लिया होगा चॉइस में, जो आपने कोर्स लिया होगा, उस हिसाब से आपको तीन तीन सब्जेक्ट बेटर होगा। अब तीन सब्जेक्ट में फिजिक्स में जब आप मास्टर्स करोगे यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस, यू कैन बी द साइंटिस्ट, यू कैन बी द एस्ट्रोनॉट, यू कैन बी द जियोफिजिक्स। केमिस्ट्री बेटर तो आप लैब में जा सकते हो, लैब आई थिंक जो साइंटिस्ट होते हैं वो डॉक्टर्स वाले या मतलब केमिस्ट्री। अगर आपने मैथ में जाए तो मैथ से आप यू नो कंप्यूटर्स की फील्ड में निकल जाते हैं, जिसमें कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर्स में काम कई काम करने होते हैं, ग्राफ डायग्राम ज्योमेट्री ठीक कैलकुलस, ये सब अलग वास्ट सब्जेक्ट है। तो आपके पास यू हैव द ऑप्शंस टू डू मास्टर्स इन फिजिक्स, मास्टर्स इन केमिस्ट्री, मास्टर्स इन कंप्यूटर, मास्टर्स इन मैथ, एनीथिंग यू वांट यू कैन डू, इन विच फील्ड यू वांट टू गो यू कैन डू। जब वहीं अगर आपने मैथ्स ऑनर्स किया है लेकिन पता चलता है कि यार मैथ्स में अब आपका दिमाग तो इतना चल नहीं रहा है, मैथ्स आपसे इतनी समझ नहीं आ रही है, आपने अपने जर्नल्स में इलेक्टिव्स में जो सब्जेक्ट लिया वो फिजिक्स था और आपको अच्छा लगा फिजिक्स था, अब आप चाहते हो कि फिजिक्स में अपने मास्टर्स करूँ, है ना। तो यार उस पॉइंट पे जब आपने इतना कुछ मैथ्स के बारे में पढ़ा है और फिजिक्स बहुत कम पढ़ी है ना, और ऑनर्स में जो टाइम भी रिलेटिवली कम मिलता है, उस फ्री टाइम में आपने हो सकता है फिजिक्स पढ़ी हो, तो जब आप अपना एग्जाम दोगे फिजिक्स में आगे, फिजिक्स में मास्टर्स करने के लिए यू नो मास्टर्स करने के लिए एग्जाम देने पड़ते हैं, अब हर एक जगह क्या हो गया है एंट्रेंस टेस्ट हो चुका है, तो जो फिजिकल साइंस वाला बंदा है वो इजीली फिजिक्स तो पढ़ सकता है क्योंकि उसने बेसिक्स पढ़े हुए हैं हर एक सब्जेक्ट का, तीनों साल में पढ़ा हुआ है, एक अपना एक पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट लेके उसने पढ़ा हुआ है, तो वो आसानी से पेपर को समझ सकता है, वो जितनी मेहनत करेगा ऑनर्स वाले को उससे ज्यादा करनी पड़ेगी करियर को स्विच करने में, स्विच की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन अगर मान लो कि जो एक मैथ ऑनर्स का बंदा है और उसको मास्टर्स में मैथ्स नहीं करना चाह रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वो आसानी से मैथ्स कर सकता है, जबकि हमने फिजिकल साइंस का हमने मैथ्स पढ़ा है लेकिन इन डेप्थ में नहीं पढ़ा है, सब कुछ नहीं पढ़ा है जो सिलेबस में आने वाला है, जो कुछ एंट्रेंस एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम सब कुछ आता है। जब आप IIT एग्जाम की बात करें तो मेनली यही एग्जाम फेमस है, लेकिन और यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस के लिए मास्टर्स करने के लिए अवेलेबल होता है, वो आप देख सकते हैं, अभी बहुत टाइम मिलेगा, अभी आप तो एडमिशन ले रहे हो अंडर ग्रेजुएट, ठीक है। तो अगर हम IIT एग्जाम का एग्जाम्पल लेके चले तो जो मैथ ऑनर्स का सब्जेक्ट में जो सब कुछ पढ़ाया जा रहा है वो सारा सब्जेक्ट सब कुछ आता है उस एंट्रेंस एग्जाम में, इसके अलावा भी कुछ आता है वो पढ़ लेते हैं मैथ ऑनर्स, ज्यादा कुछ नहीं, इसके अलावा मैथ ऑनर्स में बहुत मेहनत करता हूँ। वहीं अगर फिजिकल साइंस है तो आपने मैथ्स पढ़ा है लेकिन सिर्फ बेसिक्स पढ़ा है, उसका कुछ ही चीज पढ़ी है, आपको बहुत कुछ खुद करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप उस लेवल तक पहुंच पाओगे और एग्जाम को क्रैक करना चाहोगे, सीधा मतलब ये है भाई, ठीक है ना। और यही बात एक वो बना रहे थे नेगेटिव पॉइंट बताते कई लोग इसको, यार तुम आखिरी में करने के लिए सब्जेक्ट में मास्टर्स है, क्यों नहीं तुम यही ले लेते हो, एक मैथ्स ले लो ताकि आखिरी में मास्टर्स करने में बहुत आसान हो, तो ये तो वो बना रखा है। इस बात को मैं गलत साबित करना चाहूंगा, ये क्या कि यार मैथ ऑनर्स वाले के लिए मैथ्स में मास्टर करना आसान है लेकिन फिजिकल साइंस वाले के लिए मैथ्स में मास्टर करना मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। ये कहना चाहूंगा ये मुश्किल नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं कह सकता कि आसान है, ठीक ना, क्योंकि आसान है उसके लिए मैथ ऑनर्स वाले, लेकिन फिजिकल साइंस वाला अगर फिजिक्स ऑनर्स करना चाहता है आगे, मतलब फिजिक्स में मास्टर करना चाहता है या कंप्यूटर साइंस में मास्टर करना चाहता है, केमिस्ट्री में मास्टर करना चाहता है, तो उसके लिए मुश्किल नहीं है, वो कर सकता है। क्योंकि ये मैंने बहुत एग्जाम्पल देखे यार, जब मैंने कोर्स लिया था तो इसके बारे में मैंने पढ़ा हुआ, क्वारा में पढ़ा, ठीक है, हमारे कई सीनियर्स हैं, हमारे अपने कॉलेज के सीनियर, उनसे मैंने इंस्टा पे बात हुई तो बता रहे जिन्होंने आगे फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हैं, कोई कंप्यूटर साइंस ऑनर्स कर रहे हैं, कोई मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रहे हैं, MCA कर रहे हैं फिजिकल साइंस एंड केमिस्ट्री, क्या आगे केमिस्ट्री में ऑनर्स कर रहा है IIT से, केमिस्ट्री मास्टर्स कर रहा है, तो हो तो सकता है आसानी से, ऐसा कुछ नहीं है कि मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, हो जाएगा। इसका एक और फायदा मैं ये बता दूं कि ये जो कोर्स है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत मदद करेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है, अगर हम ये छोड़ दें, अगर IIT एग्जाम की बात छोड़ दें जिसमें आपको मास्टर्स करनी पड़ती है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कंप्यूटर साइंस में एट द एंड, तो आगे अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करते हो, UPSC वगैरह के लोग तैयारी करते हैं, CDS है, और भी कई एग्जाम से लाइक MBA के लिए आपको कैट देना पड़ता है ना, MCA के लिए आपको NIMS सेट देना पड़ता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ पार्ट भाई इंग्लिश भी आता है, इसमें कुछ पॉइंट भी आता है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं, तो ये जनरल नॉलेज की चीज होती है किसकी अच्छी होगी, ऑब्वियसली बात है फिजिकल साइंस की अच्छी होगी, क्योंकि उन्होंने क्या करा है, उन्होंने हर एक चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा होता है, तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत ज्यादा मदद कर सकती है। अब
चलते हैं अपने सबसे मेन पॉइंट के ऊपर कि वो भैया प्लेसमेंट्स के लिए कौन सा कोर्स सबसे अच्छा होगा, किस कोर्स को लेके मेरी डायरेक्ट बैचलर्स के बाद ही प्लेसमेंट लग जाएगा, जिंदगी सेटल हो जाए, ठीक है ना। मास्टर्स मास्टर्स पीएचडी वीएचडी सारी पढ़ाई को छोड़ो, अभी साइड में रखते हैं कि क्या अभी मैं कर सकता हूँ, कि कौन सा कोर्स सबसे बेस्ट रहेगा जो कि मुझे जल्दी से जल्दी सेटल होने में मदद करे। तो बिल्कुल सही सोच है आपकी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो मैं बता दूं आपको, सबसे बेस्ट कोर्स है बीएससीएफ इन कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, ठीक है ना। तो ये जो कोर्स है ना, आपको अच्छे कॉलेज में बहुत हाई परसेंटेज, मतलब 100% और 99% होगी आपकी, तब जाके आपको मिल सकते हैं अच्छे कॉलेज में एडमिशन। अच्छा कॉलेज इन द सेंस जहाँ पे कंपनियां आती हो, जहाँ प्लेसमेंट लगती हो, जहाँ पे मौका अपॉर्चुनिटीज होती हो, ठीक है। और दूसरी बात, आपने अच्छी तरह पढ़ाओ, क्योंकि मैंने जहां तक इस कोर्स को देखा है कंप्यूटर साइंस, इसमें जो सब्जेक्ट, इसमें जो यूनिट्स होती है ना, वो मोस्टली बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के ओवरलैप करती होती है। तो उसमें जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे कंप्यूटर साइंस ऑनर्स में भी वही है, ठीक है। तो अगर आप इस सब्जेक्ट को अच्छी तरह पढ़ लेते हो, ठीक है ना, क्योंकि आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, चाहे ऑनर्स ले रहे हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि ड्यू में सरकारी कॉलेज में टीचर सब कुछ आपको नहीं पढ़ाएंगे, तो आप खुद यूट्यूब से दोस्त वगैरह से कुछ भी वेबसाइट कोर्स आप पढ़ रहे होंगे एट द एंड ऑफ द डे। तो अगर आप अच्छे कर लेते हो, आपको ये कोर्स मिलता है, आप ये जरूर लें। उसके बाद वाला जो कोर्स की बात करते हैं, बीएससी मैथ ऑनर्स और बीएससी फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस, ठीक है। ये दोनों ही कोर्स बहुत अच्छा, ठीक है। अगर आपको मैथ्स में रियली करना है, आपको मैथ्स में थोड़ा भी है ना, और आप चाहते हो कि अगर कंप्यूटर में कंफ्यूज हूँ कि मेरे को कंप्यूटर ऑनर्स तो नहीं मिल रही, मैथ ऑनर्स चलो कहीं ना कहीं मिल रही है, कंप्यूटर फिजिकल साइंस कंप्यूटर साइंस मिल रही है, तो मैं क्या लूँ, तो यार ये बहुत ही खतरनाक चॉइस हो सकती है। मतलब खतरनाक क्या, क्योंकि प्लेसमेंट इन दोनों में ही होती है। मैथ ऑनर्स के बाद भी प्लेसमेंट नहीं होती है एट द एंड ऑफ द रियलिटी की, डाउन टू अर्थ बात करता है, मैथ ऑनर्स के बाद भी प्लेसमेंट नहीं होती है, और फिजिकल साइंस और कंप्यूटर साइंस के बाद भी आपकी डायरेक्ट प्लेसमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि हम इतना चीज, मैथ ऑनर्स एक मैथ सब्जेक्ट है, कंपनीज में मैथ्स पूछी जाती है, थोड़ी बहुत मैथ्स का यूज होता है, लेकिन सारी मैथ्स का यूज नहीं होता है। फिजिक्स ऑनर्स में तो बिल्कुल नहीं होती है प्लेसमेंट, केमिस्ट्री ऑनर्स में बिल्कुल नहीं होती प्लेसमेंट, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स है ना यार, ये कंपनी प्लेसमेंट, मतलब कि आप कंपनी में जा रहे हो, आपको प्राइवेट कंपनीज, आप अमेजोन, अच्छी अच्छी कंपनीज में जो प्लेसमेंट होती है, आप टीसीएस जो कि मास कंप्यूटर कंपनी होती है, आप इसमें नौकरी कर रहे होंगे, तो ये इसमें क्या लगता है आपको, कंपनीज में क्या ये यूज होती है, जो अल्फा बीटा गामा थीटा, नहीं ये यूज होती है, लेकिन ये सारी चीजें ऑटोमेटेड होती है, सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, एक्सेल यूज होते हैं, कोडिंग यूज होती है, वो चीजें कौन पढ़ रहे, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स वाले पढ़ रहे होते हैं, तो इसलिए कंप्यूटर साइंस ऑनर्स वाले सबसे ज्यादा प्लेसमेंट के चांसेस होते हैं। अब फिजिकल साइंस कंप्यूटर साइंस वाले भी कंप्यूटर पढ़ रहे होते हैं, और जो मैथ ऑनर्स वाले होते हैं ना, वो अगर एक्स्ट्रा में सब्जेक्ट में कंप्यूटर पढ़ ले, तो कंप्यूटर और मैथ्स लगभग रिलेटेड है। इवन अगर आप मैथ्स ऑनर्स लेते हो, तो आपको मास्टर्स में ऑप्शन मिलता है, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स नाम का एक सब्जेक्ट होता है, अगर आप मास्टर्स में करते हो तो आपकी भी प्लेसमेंट लग जाती है उन्हीं कंपनीज में जहां पर कंप्यूटर साइंस ऑनर्स वालों की लगती है, ठीक है ना। आप एट द एंड कंप्यूटर की फील्ड में जा रहे होते हो, और थोड़ा बहुत कोडिंग वगैरह और जो डाटा एंडिंग होती है, वो सारी चीज आप अगर आप सीख लेते हो, तो आपकी वहां पे प्लेसमेंट्स लग जाते हैं। और अगर हम बात करें फिजिकल साइंस कंप्यूटर साइंस की, मेनली तो यही है ना कि ले जाना इसमें प्लेसमेंट होगी, मेनली होगी ये बताओ ना तुम। देखो भाई, ये इसमें प्लेसमेंट आपकी हो जाए, लेकिन होती बहुत कम की। जैसे यार मैं अपना ऑनेस्ट बताऊ ना, अपने जो क्लास, अपना जो बैच है, वो 40 बंदों का बैच, जो भी थर्ड ईयर में जो पास आउट हुए इस साल, जिसने मैंने पूछा तो उसने बताया 40 बंदों में से 4 बंदों की प्लेसमेंट हुई है। अब प्लेसमेंट भी नहीं है कि 10 एलपीए की, 20 एलपीए की, 1 करोड़ जितनी आईआईटीज में होती, नहीं, 4 to 5 एलपीए जो एवरेज सैलरी होती है ना आफ्टर बैचलर्स के बाद, मतलब इन हैंड सैलरी आपको 30,000 तक अप्रोक्स, मान लो 25 से 35 का वेरिएशन हो सकता है किसी की भी जॉब में, तो इतने तक की आपको जॉब मिल सकती है। अगर आप, वो आपको ऐसे नहीं मिलेगी कि आपने यहाँ से अप्लाई किया, कंपनी आपके पास आ रही है, नहीं, आपको खुद सीखना पड़ेगा, आपको कंप्यूटर में थोड़ा बहुत पढ़ाया जा रहा है, आप उसमें और नॉलेज लोगे, आप और एक्स्ट्रा कोर्स करोगे, है ना। जैसे मेरे ही क्लास में कुछ बच्चे हैं जो कि अकेडमी कड़ी तो पढ़ ही रहे हैं वो लोग, लेकिन अपना खुद और कुछ भी सीख रहे, कोई ईडीएस से कर रहा है, कोई पाइथन पढ़ने लग रहा है एक्स्ट्रा लेके कोर्स, ठीक है। तो अगर आप खुद पढ़ सकते हो, एक्स्ट्रा एफर्ट डाल सकते हो, अगर आपको सच में ही कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट आने लग जाता है, तो आप प्लेसमेंट निकालो। और इसका एक कारण ये भी है, अब आप सोचो यार आईआईटी या बीटेक इंजीनियरिंग में तो अच्छी खासी प्लेसमेंट हो जाती है, लोग एकदम से कम 70-60% लोग हो जाती है, यहाँ पे सिर्फ 4 की हो रही है, ठीक है ना, ये बहुत, इट इज लव 10% पीपल से भी कुछ कम है ये। तो ऐसा क्यों हो रहा है, देखो ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो बीएससी कर रहे होते हैं ना यार, यहाँ पे हमारे पूरे बैच के लोगों का मकसद प्लेसमेंट निकालना नहीं है, ठीक है ना। कई लोग हैं जो डिफेंस के एस्पिरेंट्स हैं, कुछ लोग हैं जो आगे मास्टर्स करेंगे किसी और सब्जेक्ट में, कुछ हैं जिन्होंने प्लेसमेंट नहीं ली, उन्होंने मास्टर्स की सोची, क्योंकि अगर आप बीएससी कर रहे हो, बीएससी इज अ जनरल कोर्स, जबकि बीटेक प्रोफेशनल कोर्स होता है, प्रोफेशनल कोर्स से यूं कहा जाता है कि उसके बाद आपकी प्लेसमेंट लग जाती है, उसमें आपको कंपनीज के बीटेक में क्या आपको प्रोफेशनल, सिर्फ आप थ्योरी नहीं पढ़ते, प्रैक्टिकल ज्ञान जो आप काम आएगा अपनी नौकरी करने में, आगे प्लेसमेंट्स लेने में, कंपनीज को जो चाहिए वो कराया जाता है,
बैचलर्स के बाद वो आपको अगर बीएससी कर रहे हो तो आपको बीएससी में वो नहीं पढ़ाया जाता, बस थ्योरी थ्योरी पढ़ाई जाती है, चाहे आप ऑनर्स में कर रहे हो ठीक है ना। मास्टर्स अगर आप कर लेते हो तो उसके बाद मास्टर्स आपको, मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस की ठीक है ना, उस फील्ड की बात कर रहा हूँ जहाँ से आपकी प्लेसमेंट लगी, जहाँ से आप कंपनीज में जाओगे प्राइवेट जॉब्स की तरफ की अगर हम बात करें तो आप मास्टर्स अगर आप कर लेते हैं, एमसी करते हो मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या एमएससी इन सीएस करते हो तो आपको जॉब्स काफी अच्छी मिल सकती है, बीटेक लेवल तक की जॉब्स मिल सकती है आपको कंप्यूटर साइंस की फील्ड में प्लेसमेंट्स में। तो इसलिए कई लोग क्या होते हैं ना इसमें चले जाते हैं ठीक है, इसलिए सब प्लेसमेंट नहीं लेते हैं, इसलिए प्लेसमेंट का परसेंटेज कम होता है। लेकिन अगर आप चाहो तो आप प्लेसमेंट इस कोर्स से भी निकाल सकते हो ठीक है। बाकी बीएससी में अगर प्लेसमेंट के लिए जो बेस्ट कोर्स है वो तो कंप्यूटर साइंस ऑनर्स ही है। मैं फिर उसके बाद कहना चाहूंगा उसके बाद मैं आपको कहना चाहूंगा आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, आपका मैथ्स में ज्यादा इंटरेस्ट है या कंप्यूटर साइंस ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। अगर आप कंप्यूटर साइंस ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो आप बीएससी फिजिकल साइंस कंप्यूटर साइंस ले लो, मैथ्स में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो मैथ ऑनर्स ले लो ठीक है ना, क्योंकि मैथ ऑनर्स लेने के फायदा ही आप आगे मैथ्स में जा सकते हो और आगे मैथ्स में आपको मास्टर्स करने में आसानी होगी, और मैथ्स में आसानी है तो मैथ्स से सीएस रिलेटेड आप कहीं ना कहीं उस फील्ड में भी जा सकते हो। तो मैथ ऑनर्स के बाद आपको बीएससी फिजिकल साइंस में कंप्यूटर साइंस ले सकते हो, फिर उसके बाद आपको बीएससी फिजिकल साइंस केमिस्ट्री लेना है ठीक है ना। अगर आपको कंफर्म नहीं है, मैं कहता हूँ कि अगर आपको कंफर्म नहीं है ना, मेरी एक एडवाइस सिंपल सी है, अगर आपको कंफर्म नहीं है, अगर आप दो सब्जेक्ट के बीच में कंफ्यूज हो कि यार मैं कब मेरा फिजिक्स भी अच्छा है कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है दोनों में से क्या लूँ, तो आप फिजिकल साइंस ले सकते हो कोर्स ठीक है ना। इसमें आपको बाद में आप जैसे पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, अगर कंफ्यूजन है तो आप एक कोर्स ले सकते हो ठीक है। फिर उसके बाद आता है फिजिक्स ऑनर्स और फिर उसके बाद आता है केमिस्ट्री ऑनर्स, आप ये ऑर्डर में आप देख सकते हो। प्लेसमेंट के मामले में मैंने बात करी है ठीक है ना, बाकी सारे कोर्स के अपने अलग फायदे, अगर आप पर्टिकुलर कोर्स के एक पर्टिकुलर आदमी जो सक्सेसफुल है उसके बारे में देखोगे पढ़ोगे तो आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा कि मेरे को कल को इस आदमी जैसा बनना है नहीं बनना। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो ठीक है ना, कुछ सीखने जानने को मिला हो ना आपको, तो वीडियो में प्लीज यार एक लाइक कर देना जो कि हमको मोटिवेट करेगा और हम आपके लिए कैसी और कई वीडियो बना पाएंगे ठीक है। कमेंट करके बताएं, अभी भी अगर कोई आपका डाउट रह गया हो तो कमेंट करते ना, आपके सारे जो आपके उत्तर देने के लिए ही हम यहाँ पे हैं।